क्या है आपके मोहल्ले का हाल? विकास ने कितनी बदली तस्वीर साल दर साल? आपसे सीधे जानेंगे आपके मोहल्ले का हाल। मैं हूं रवि, आ रहा हूं आपके मोहल्ले में सीधे करने आपसे बात। अगर आपके भी मोहल्ले में है कोई बात तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यह है मेरा मोहल्ला रवि मिश्रा के साथ। नमस्कार, SDF न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। वक्त हो चला है टॉप 10 खबरों का, तो आइए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं 10 बड़ी खबरों का सफर। और सबसे पहली खबर है माननीयों से जुड़ा हुआ, बिहार के विधायकों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार में विधायकों के लिए 246 नए फ्लैट्स बनेंगे। 62 पर लगभग काम पूरा भी हो चुका है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधायक आवास योजना संबंधी उच्च स्तरीय बैठक की और इसकी विस्तृत समीक्षा भी की गई। भवन निर्माण विभाग बिहार के अभियंता प्रमुख द्वारा उन्हें इस योजना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया। उनके द्वारा यह बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 246 फ्लैट का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 190 पर काम शुरू कराया गया है। इसमें से लगभग 100 फ्लैट्स का स्ट्रक्चर पूरा हो गया है और 62 फ्लैट में बहुत कम काम शेष रह गया है, जिसे 4 माह में पूरा किया जा सकता है। सोमवार को पटना हाई कोर्ट खुल गया है। परीक्षण के तौर पर वर्चुअल के साथ ही सीमित संख्या में फिजिकल कोर्ट में भी सुनवाई की जाएगी। यह व्यवस्था 15 जनवरी तक चलेगी। इस व्यवस्था के तहत हर जज के कोर्ट में 25 केस ही प्रतिदिन फिजिकल सुनवाई के लिए लिस्टेड होंगे। दरअसल कोरोना काल में पटना हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होती थी, लेकिन कल से हाई कोर्ट फिजिकल सुनवाई के लिए खुल गया है। वर्चुअल के साथ सीमित मात्रा में फिजिकल सुनवाई भी होगी। वहीं पटना के जिलाधिकारी ने कहा है कि फिजिकल सुनवाई शुरू हो रही है, जिसमें फर्स्ट सेशन में 10 और सेकंड सेशन में 10 मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। अगली खबर छपरा से है। लचर कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने सारण रेंज के DIG के रूप में मनु महाराज को भेजा है। DIG मनु महाराज ने अपना पदभार ग्रहण करते ही शहर में फ्लैग मार्च किया और कानून के प्रति लोगों का भरोसा जीतने के लिए पूरे शहर में पैदल भ्रमण किया। दरअसल मनु महाराज एक कड़क पुलिस अधिकारी के साथ साथ अपराधियों के लिए सामंत माने जाते हैं। मनु महाराज के आने से जिले ही नहीं बल्कि प्रमंडल के लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। लोगों को भरोसा है कि मनु महाराज के आने से पूरे प्रमंडल से अपराधियों और अपराध का सफाया होगा। और इधर जहानाबाद पुलिस ने एक हत्या के मामले का उद्भेदन करते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। जिले के कड़ौना ओपी के लोदीपुर गांव के समीप पिछले 23 दिसंबर को एक सेना के जवान, जो कि अपनी नौकरी छोड़कर कैंटीन चलाता था, उसकी अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके पास से हथियार भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र कुमार की हत्या उसके दोस्त दयानंद पासवान ने 5 लाख की सुपारी देकर कराई थी, जिसमें मृतक का ममेरा भाई भी शामिल था। दरअसल मुख्य आरोपी दयानंद लातेहार में CRPF का जवान है और उसका मृतक की पत्नी के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया है कि वो अपने दोस्त की हत्या कर उसकी बीवी से शादी करना चाहता था। साकिन शमनीशा बख्तियारपुर अथमल गोला, जिन दोनों की पहचान जो है CCTV फुटेज के आधार पर भी की गई है और उन दोनों ने घटना को पूरे अपने जुर्म को कबूल भी किया है। उन्होंने जो राशि प्राप्त की है उन्होंने दयानंद पासवान के थ्रू ही प्राप्त की है, जो 3 लाख की राशि उनको मिली है। जी हाँ, दयानंद पासवान ने इस पूरी घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उन्होंने अपने साथ अपने को एक्यूज्ड लवकुश के बारे में भी इसमें बताया है। इनका उद्देश्य था कि संभवतः मृतक की मृत्यु के बाद जो है उनकी पत्नी से ये शादी कर पाएंगे और लवकुश का उद्देश्य यह था कि कैंटीन उनको मिल जाएगा।
आरा में वायरल तस्वीर के सामने आने के बाद एक पुलिस वाले पर गाज गिरी है। बालू लदे ट्रैक्टर से पैसा वसूलने की तस्वीर वायरल होने के बाद एक दफादार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भोजपुर एसपी ने उसे जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि दफादार विनय पांडे बड़हरा थाना में तैनात थे। बताया ये भी जाता है कि पिछले दिनों अवैध वसूली की तस्वीर वायरल होने के बाद एसपी की जांच में दोषी पाए जाने के बाद हुई इस कार्रवाई से भोजपुर पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल है। और इधर कैमूर जिले के भभुआ शहर में नगर पालिका के पास सब्जी खरीद रहे एक मोबाइल दुकानदार को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे मोबाइल दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ रहे दोस्तों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भभुआ पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भभुआ थाना प्रभारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कहाँ थे? हम लोग नगर पालिका गेट के 10 कदम आगे थे, सब्जी की दुकान पे सब्जी ले रहे थे। वहाँ पे दो बंदा ने स्ट्रीट में आया, मुंह बंधा हुआ था। और उसको गोली मारा है, तुरंत नगर पालिका में घुस गया अंदर। कौन चीज से था? मोटरसाइकिल से, पल्सर मोटरसाइकिल था, दो लोग था। जी तो अभी क्या स्थिति है? मृत्यु हुई है, लेकिन मैडम अभी क्या लोग बता रहे हैं, कैसे गोली लगा है, कहाँ पे लगा? और अगली खबर बक्सर से है। शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी का धंधा थमने के बजाय और ज्यादा तेजी से फल फूल रहा है। तस्कर एक से एक तरकीब निकालकर शराब तस्करी करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बक्सर का ही है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने 9 पेटी विदेशी शराब की बरामदगी की है। शराब ऑटो में छिपाकर यूपी से बिहार लाया जा रहा था। रामपुर गांव के समीप देवल पुल के पास ऑटो को उत्पाद विभाग की टीम ने रोका। गाड़ी खाली थी, लेकिन उसके अंदर महक आ रही थी। इसी पर शंका के बाद जब तलाशी के दौरान उसकी तलाशी ली गई, तो पता चला कि तहखाना बना हुआ है, जिसमें 8 PM के विदेशी शराब के कुल 9 कार्टून छिपाकर रखे गए हैं। विभाग के सहायक निरीक्षक हैदर अली ने बताया कि ऑटो चालक ही वाहन का मालिक है, जिसे जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में पता चला है कि वह मोहनिया में शराब की खेप देने जा रहा था। उसकी ऑटो में ऐसा नंबर प्लेट लगा है जिसमें एक तरफ बिहार तो दूसरी तरफ यूपी का नंबर अंकित है, जो यह दर्शाता है कि वह लंबे समय से इस कारोबार में संलिप्त है। शराब तस्करी कर रहे हैं? 2-4-5 दिन से कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में ही कर रहे हैं जी। तो ये नया ऑटो लेकर के और इस तरह के तहखाना बना करके शराब तस्करी, ये अपने आप में ये आप लोगों को डर नहीं लगता है? ये ड्राइवर था, ड्राइवर भाग चुका है वहाँ से, और हमारे नाम से पकड़े गए। हम वहाँ पे देखे गए तो हमें ऑन स्पॉट पे पकड़ लिए पुलिस। वहाँ पर एक ऑटो आ रही थी, उसको रोक करके चेक किया गया, उसमें से महक आ रहा था, और तहखाना बना हुआ था जिसमें कि नट से कसा हुआ था। तो हम लोग को शंका हुआ, हम लोगों ने चेक किया तो उसमें कुल 532 पीस 9 पेटी में था, और उसके अलावा और खुला भी ऐसे 8 PM का, कुल मिलाकर 532 पीस है। 180 ml टेट्रा पैक 8 PM 180 ml, ये हो रहा आपको 95.76 लीटर हो रहा है। गिरफ्तारी भी जी है। गिरफ्तारी है इसमें, एक व्यक्ति जो चालक है, टेम्पू चालक, ऑटो चालक जो भी है, वो गाड़ी का मालिक भी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने कन्फेस किया है कि भाई हम माल ला रहे थे देवल से, और ये लेके जा रहे थे मोहनिया क्षेत्र में लेके जा रहे थे, और ये धंधा कई महीनों से कर रहा है, इसने इसको कन्फेस किया है। अगली खबर पूर्णिया की है। पूर्णिया जिले के DM राहुल कुमार अक्सर ट्वीट पर एक्टिव रहते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट से ही एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने KFC रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक स्टाफ की ईमानदारी की खूब तारीफ की है। दरअसल DM राहुल कुमार नए साल के मौके पर दिल्ली के कनॉट पैलेस स्थित KFC रेस्टोरेंट गए थे, जहाँ उनकी उंगली से उनकी सगाई की अंगूठी स्लिप कर गई, जिसके बाद वहां की आउटलेट मैनेजर सुमन को जब उनकी अंगूठी मिली तो उसने उसे संभाल कर रख दिया, और अगले दिन DM राहुल कुमार के दोस्त गौरव को वापस कर दिया। DM ने अपने ट्वीट के जरिए KFC के आउटलेट मैनेजर को धन्यवाद दिया और लिखा, न्यू ईयर 2021 शुरू होने के लिए एक सकारात्मक कहानी। कल मेरी सगाई की अंगूठी कनॉट पैलेस स्थित KFC इंडिया में गिर गई, हालांकि आज आउटलेट मैनेजर सुमन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे मेरे दोस्त को सौंप दिया। इस ईमानदारी के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।
अगली खबर रांची से है। और मांझी में विभत्स रूप से महिला की मिली शव को लेकर रांची के किशोरगंज चौक पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री का काफिला प्रोजेक्ट भवन से किशोरगंज चौक से होते हुए सीएम आवास जा रहा था। विरोध प्रदर्शन के दौरान सीएम के कारकेट को भी रोकने की कोशिश की गई। बाद में भीड़ और हंगामे के कारण सीएम के कारकेट का रूट डाइवर्ट किया गया और बड़ा तालाब होते हुए सीएम आवास भेजा गया। इस घटना के बाद रांची पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जेएमएम ने इसे असामाजिक तत्वों की सुनियोजित साजिश करार दिया है। तो वहीं पूरी घटना को लेकर रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कहा है कि जिस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा माननीय की गाड़ी रोकने की कोशिश की गई उससे किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। दोषियों को हर कीमत पर सजा मिलेगी। देखिए, ये जो घटना है ये असामान्य घटना है और ये बड़ा सुनियोजित ढंग से साजिश करके, क्योंकि सीएम का जब भी कारपेट गुजरता है उसके पहले रोड ओपनिंग जो व्हीकल होता है उसके बाद में जो कारपेट होता है उस पर यदि आप नियोजित ढंग से यदि हमला करते हैं, ये हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कानून को एक चुनौती दी गई है। इसका जल्दी से जल्दी रहस्योद्घाटन हो ताकि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित किया जा सके और समाज में जो अशांति, समाज को जो अफरा तफरी, समाज को जो बांटने की कोशिश हो रही है उस पर कारगर ढंग से रोक लगनी चाहिए। मरने के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई, साथ ही पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी और कुछ तरीके से पुलिस वालों के साथ भी उन लोगों का हाथापाई के इश्यूज हुए हैं। इसके पीछे जो भी लोग थे और उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कठोर से कठोर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत साक्ष्य सहित लोग जो इस घटना में शामिल थे उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर धनबाद से है, जहां गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अमन साव के गुर्गे ने धनबाद के एक विधायक को जान से मारने की धमकी दी है। धनबाद के कोयला कारोबारी, आउटसोर्सिंग कंपनी और ट्रांसपोर्टरों को जनवरी महीने से रंगदारी देने की धमकी दी गई है। गुर्गो ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। हालांकि इस वीडियो की एसडीएफ न्यूज बिहार झारखंड पुष्टि नहीं करता। दरअसल वीडियो में खुद को मयंक सिंह बताने वाले शख्स ने धनबाद के किसी विधायक का नाम लिए बगैर धमकी दी है। मयंक ने वीडियो में कहा है कि माननीय नेतागिरी की आड़ में रंगदारी करते हैं, उनके लोग वहां से पैसा उठा रहे हैं, ऐसे में माननीय को हिदायत दी जाती है कि वो रंगदारी दें या अपना धंधा बंद करें, वरना AK-47 का वायरल उनकी तरफ घूम जाएगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरी तरह से हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर से हाजिर होंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या है आपके मोहल्ले का हाल? विकास ने कितनी बदली तस्वीर साल दर साल? आपसे सीधे जानेंगे आपके मोहल्ले का हाल। मैं हूं रवि, आ रहा हूं आपके मोहल्ले में सीधे करने आपसे बात। अगर आपके भी मोहल्ले में है कोई बात तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यह है मेरा मोहल्ला रवि मिश्रा के साथ।